लड्डू है, सब लोग अच्छे हैं। यहाँ तो लड्डू बहुत अच्छा है। आज लड्डू की बुआ ने रखे हैं प्राथी, ये लड्डू की बुआ से मिल सकते हैं। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। हैप्पी नवरात्रि आप सबको मेरी तरफ से। गाइस हम लोग ये कल मैंने माला धुल के डाल दी थी, ये अभी दीदी ने पूजा स्टार्ट नहीं करी है। गाइस हाँ दीदी का व्रत है, दीदी ने नवरात्रि रखे हैं, नवरात्रि ली है, ये देखते हैं। वही गाइस दीदी पूजा करने के लिए तैयारी कर रही हैं। गाइस ये मैं माला लगाऊंगी टेंपल पे, देखो धुल के कितनी अच्छी हो गई हैं ये। गाइस ये मैंने ऑनलाइन परचेस की थी, ये इतने सारा बंच मंगाया था मैंने, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे माला। और ये गणपति भी मैंने ही बनाया था हैंडमेड, अभी लाइट चली गई है इसलिए ये लड़ियाँ बुझ चुकी हैं। दीदी यहाँ पे देखो जौ बोने के लिए मिट्टी भी ले आई है, फूल है, पाती है, कलश स्थापना करेंगी अभी दीदी। अब मैं लगाती हूँ ये माला। देखिए गाइस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ माला, कितनी प्यारी मालाएं लग रही हैं। तो देखो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं इसको ऐसे लगाऊंगी, ये धुलने के बाद तो बहुत ही अच्छी निकलती हैं गाइस। देखिए गाइस मैंने माला लगा दी है और दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखिए। ये देखिए गाइस ये टेंपल पे माला लग चुकी है, ये धूप पत्ती लगाने से थोड़ी काली हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने साफ कर दी है, इसको वॉश कर दी है। और देखिए पहले भी ब्लॉग में महाशिवरात्रि के ब्लॉग में मैंने अपना मंदिर दिखाया था आपको टेम्पल, इस तरह मेरा मंदिर गया सजा हुआ। और हम माता रानी की दीदी कर रही हैं पूजा, स्टार्ट करती है। माता रानी का देना तो दीदी ने रेडी सूट पहना है। और गाइस मैंने जो वस्त्र बनाए थे प्यारे प्यारे से वस्त्र अपने हाथों से माता रानी के लिए, ये देखिए। और ये गणेश जी हैं, हाँ पहले वस्त्र पहनाओ माता रानी को। ये देखिए गाइस दीदी ने पुराने वाले वस्त्र निकाल दिए हैं, ये रेडीमेड वस्त्र थे, ये जो मैंने बनाया वो दीदी पहनाने जा रही हैं माता रानी को। हाँ तो पहनाने जा रही हैं वस्त्र, गंगा जल से इसको शुद्धिकरण कर रही हैं। लाइट आ चुकी है, देखिए गाइस चिम चिम हो रही है। ये देखिए गाइस दीदी वस्त्र पहना रही हैं माता रानी को, ये छोटी मेरी माता रानी है जिनके लिए मैंने छोटा लहंगा बनाया था। देखिए गाइस हमने वस्त्र पहना दिए हैं माता रानी को, ये देखिए गाइस ये माता रानी का लहंगा बनाया था कल और माता रानी को मैंने लहंगा पहना दिया है। ये मेरी छोटी माता रानी है और ये मेरी बड़ी माता रानी है, ये भी लहंगा मैंने कल बनाए थे, मैंने आपको दिखाया भी था।
माता रानी के लहंगे बन चुके हैं। देखिए गाइस, ये लहंगा पहन के रेडी हो गई है माता रानी। गाइस ये देखिए, दीदी ने वस्त्र पहना दिए हैं तीनों माता रानी को। आप मंदिर में स्थापित कर रही हैं माता रानी को। चुनरी भी उड़ा देती ना एक साथ, फिर आपको दिक्कत होगी। माता रानी देखिए गाइस, दीदी ने माता रानी को स्थापित कर दिया है। वो बैठी है मेरी माता स्थापना करने के लिए। गाइस माता रानी मेरी विराजमान हो चुकी है, अंदर बैठी है। ये मेरी दुर्णागिरी माता है, गोलू चितई माता देवता है। वो देखिए गाइस, गोलू चितई देवता, ये हमारे अल्मोड़ा के गोलू चितई देवता है। ये दुर्णागिरी माता है हमारी माता रानी। ये देखो विराजमान हो गई, अंदर बैठी है माता रानी मेरी, विराजमान हो चुकी है, अंदर बैठी है। ये मेरी दुर्णागिरी माता है, गोलू चितई माता देवता है। वो देखिए गाइस, गोलू चितई देवता, ये हमारे अल्मोड़ा के गोलू चितई देवता है। ये दुर्णागिरी माता है, वो मेरी लक्ष्मी माता है, बैठी हुई है। पूजा आरंभ हो चुकी है, उन्होंने कलश स्थापना और माता रानी को वस्त्र भी पहना दिए हैं। ये दुबा गुलड़ के फूल, गुलाब के फूल और गुलदावरी, और ये आम के पत्ते। कलश स्थापना हो चुकी है दीदी की। दीदी की जोत भी चल चुकी है। ये माता रानी की जोत जला दी है दीदी ने। अब चढ़ाने जा रही है माता रानी को फूल। खुशबू आ रही है धूप बत्ती की, अगरबत्ती की भी बहुत खुशबूदार अगरबत्ती है। अगरबत्ती धूप बत्ती है, ये दोनों ही आ रही है। ये माता रानी की जोत जल चुकी है, पर वहां भी जोत जल चुकी है। सिंगार पटारी वगैरह मिल गई थी, आराम से चलो। अब दीदी पढ़ने जा रही है भाई कथा, नवरात्रि की व्रत कथा। किताब तो पक्का होगी। होलसेरा वाली साचे दरबार की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। गाइस आप लोगों को तहे दिल से हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और दीदी व्रत कथा आरंभ करने जा रही हूँ। दीदी व्रत कथा आरम्भ करने जा रही हैं गाइस। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता बोली, हे ब्राह्मण मनुष्य का कल्याण करने वाले, इस व्रत को कहो मैं सावधान होकर सुन रहा, आपकी शरण आए मुझ पर कृपा करो। उसको फल भी उसी कार्य के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य का कार्य और फल देखे कहा। देवी
कैसी है देखिए दीदी ने जौ लगा दी है, जौ बो दी है। पूजा कर रही है शिवलिंग में, अभी जोत जला दी, अभी जोत जलाएंगी। आज धूप अच्छी निकली है गाइस, बारिश से छुटकारा पा लिया है, आज धूप अच्छी निकली है। मैंने जोजो को नहला दिया, अभी लड्डू की दादी आई नहीं है, अभी मामा के घर आ चुकी हैं हरिद्वार से वापस कल। दीदी ने यहाँ पूजा कर ली है, नहला दिया था गाइस, अपने जोजो के कपड़े भी धुल दिए और नहला भी दिया मैंने। धूप बहुत अच्छी निकली है गाइस, बहुत अच्छी। दीदी रोटी सेक रही है जोजो के लिए और मेरे लिए बन रहा है आलू पराठे, क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है, दीदी का फास्ट है, और हम लोगों के लिए बन रहा है जोजो और मेरे लिए बन रहा है खाना। जोजो के लिए बन रही हैं रोटियां और मेरे लिए बनेंगे पराठे और आलू के गुटके। तो क्या ठंडा लग रहा है? हाँ भाई ठंड लग गई, सुबह से उठे साफ सफाई करी, पूजा पाठ किया। अच्छा तो इतने ज्यादा ठंड लग गई कि आप धूप में लेटी हैं इतनी गर्मी में? ठंड लग गई है, ठंडा हो गया तो ठंड। क्या हालचाल है लड्डू की दादी के? लड्डू की दादी के हालचाल बहुत बढ़िया, मस्त हैं, अपने मायके गई हैं, आराम से खा पी रही हैं। कब आएंगे लड्डू की दादी? लड्डू की दादी देखते आज आती है कल आती है कोई पता नहीं है अभी। अपने नवरात्रि लिए हैं लोगों को, सब परिवार सहित मेरी ओर से हैप्पी नवरात्रि। अच्छा मेरे जोजो को भी ले लो, देखो कितने ध्यान से देख रहे ना बाबू, तुझे मैंने आज क्या खिलाया, रोटी खिलाई। जोजो हैप्पी नवरात्रि। अगर आपको लड्डू की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन पाएं नए वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।